अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के हवाले से। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को लाजमी वापस लाना चाहिए। इस हवाले से आप दोस्तों को मुकम्मल तफसील बताने वाला हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के सच्चे और पक्के फैंस हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर आल पर लाजमी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और आप दोस्तों को बताते हैं इस हवाले से मुकम्मल तफसील से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस बॉलर यानी मोहम्मद आमिर के हवाले से। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने आज से एक साल पहले रिटायरमेंट ली थी क्रिकेट से, और उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा था कि मोहम्मद आमिर को कि आप जल्द पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आ जाएं, क्योंकि अभी आपकी उम्र काफ़ी रह चुकी है जो कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं। इस वजह से आप क्रिकेट में वापस आ जाएं, यानी अपनी टीम को फिर से वापस ज्वाइन कर लें। लेकिन ज्वाइन नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि मिस्टर और वकार जाएंगे तो मैं आऊँगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अब दोस्तों, आपको पता है कि मिसबा भी जा चुके हैं और वकार भी जा चुके हैं T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को लाजमी वापस लाना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम की जानिब से बहुत ही अच्छा खेलेंगे और मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम के बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान टीम में अहम साबित होंगे।